स्टूडेंट्स वेलकम टू फार्मेसी नोट्स बाय टुडे वी डिस्कस मोनोफेजिक लिक्विड फॉर्म पार्ट यू सो लेट्स स्टार्ट इन वी डिस्कस लिक्विड मीन फॉर एक्सटर्नल एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि जो मोनोफेजिक लिक्विड मोनोफिजिक्विड फॉर्म में उनमें से कौन सी डोजेस फॉर्म है जो कि एक्सटर्नल एप्लीकेशन के लिए यूज की जाती है उसके अंदर अपन सिर्फ बात करेंगे आज जो कि अपन टॉपिकली यूज करते हैं जैसे कि जो कि मोनोफेजिक डोजेस फॉर्म है जो कि स्किन के ऊपर अप्लाई हो रही है टॉपिकली अप्लाई हो रही है जैसे कि लोशन लिनीमेंट कॉलरडॉन्स एंड पेंट्स सबसे पहले अपन बात करते हैं लोशन की तो लो, लोशन इज अ मोनोफिजिक डोजेस फॉर्म जो कि स्किन के ऊपर अप्लाई करने के लिए यूज की जा रही है आर लिक्विड प्रिपरेशन मीन फॉर एक्सटर्नल एप्लीकेशन विदाउट फ्रिक्शन यानी कि जो लोशन हैं ये लिक्विड लिक्विड हैं हैं मोनोफिजिक ये टॉपिकली यूज की जाती हैं बट विदाउट फ्रिक्शन यानी कि इनको अप्लाई करने के समय फ्रिक्शन यूज नहीं किया जाता इन्हें बस सॉफ्टली अप्लाई किया जाता है दे आर अपलाईड डायरेक्ट टू द स्किन ऑफ विदेल्प ऑफेंट मटीरियल कॉटन वुल गॉज सोगड निट मोस्टली इनको जो अप्लाई करने का तरीका रहता है स्किन के ऊपर कि जो लोशन हैं वो मोस्टली कूलिंग सेंसेशन के लिए स्मूथनेस देने के लिए या फिर प्रोटेक्टिव पर्पज के लिए यूज किया जाता है जैसे कि आप कहीं बाहर जा रहे हो सनलाइट है तो सन से प्रोटेक्शन के लिए सन रेज से प्रोटेक्शन के लिए लोशन आप यूज कर सकते हो अगर उसके अंदर

तो कैलामाइन लोशन इज बेस्ट लोशन एज एग्जाम्पल जिसके अंदर कैलामाइन जिंक ऑक्साइड बेंटोनाइट सोडियम सिट्रेट लिक्विफाइड फिनॉल ग्लिस्टिन वाटर यूज किया जाता है कैलामाइन लोशन को बनाने के लिए मेन इंग्रेडिएंट तो यहाँ पे कैलामाइन होगा जो प्रोटेक्टिव का, का काम कर रहा है बाकी सारे के सारे इंग्रेडिएंट प्रिजर्वेटिव सस्पेंडिंग एजेंट या फिर उसको जो उसकी एक्टिविटी है उसको एनहांस करने के काम में लिए जा रहे हैं जैसे कि बेंटोनाइट है यहाँ पे सस्पेंडिंग एजेंट के रूप में यूज किया जा रहा है लिक्विफाइड फिनोल एंड सोडियम सीटेटा एक्ट एज अ प्रिजर्वेटिव ग्लिसरीन है जो कि वो इमोलियंट एक्शन प्रोवाइड कर रहा है और वाटर एज अ व्हीकल यूज किया जा रहा है डायरेक्शन एंड यूज की अगर बात करें तो जो कैलामिन लोशन है वो एज अ प्रोटेक्टिव काम करता है कैलामिन की जो प्रॉपर्टी है वो प्रोटेक्टिव है फॉर एक्सटर्नल यूज होनी ये केवल एक्सटर्नली अप्लाई किया जाता तो है टॉपिकली अप्लाई किया जाता है तो ये अपन को लेबल पे हमेशा देखने को मिलेगा इन रेड कलर एंड एक और जो डायरेक्शन है या यूज है वो अपने को मिलेगा शेक वेल बिफोर यूज क्यों क्योंकि जो कैलामीन है वो एक सस्पेंशन टाइप का सिस्टम क्रिएट करेगा क्योंकि अपने उसके अंदर सस्पेंडिंग एजेंट बेंटोनाइट भी ऐड कर रहे हैं तो अगर वो चीज नीचे सेटल डाउन ना हो जाए इसलिए जब आप इसे ले रहे हैं तो शेक वेल बिफोर यूज की जो कंडीशन है वो आपको यूज करनी चाहिए फिर है लिनिमेंट इट इज अ लिक्विड और सेमी सॉलिड प्रिपरेशन मीन फॉर एप्लीकेशन टू द स्किन लिनिमेंट भी एक मोनोफेजिक लिक्विडोज फॉर्म है जो कि टॉपिकली अप्लाई की जा रही है इट इज अप्लाई टू द स्किन विथ फ्रिक्शन एंड फॉर द स्किन यानी कि अगर बात करें लोशन एंड लिनिमेंट में डिफरेंस की तो जो लोशन है वो विदाउट रबिंग और फ्रिक्शन अपन यूज करते हैं वह लिनिमेंट है जो कि स्किन पे विथ फ्रिक्शन या फिर रबिंग के साथ अप्लाई किए जाते हैं दे मे बी एल्कोहलिक और ऑयली सोल्यूशन और इमल्शन

काउंटर इरिटेंट इफेक्ट ज्यादा देगा जो लिनिमेंट है वो मोस्टली है जो कि काउंटर इरिटेंट इफेक्ट के लिए जाने जाते हैं अब काउंटर इरिटेंट क्या है सपोज कि आपको कहीं पेन हो रहा है और वहां पे मैं आपको लिनिमेंट लगा दूं तो लिनिमेंट की जो एक अजीब सी इरिटेशन होगी जो जलन होगी तो जो मेन दर्द है वो आप भूल के आपको अब इरिटेशन या वो जलन है वो दिमाग में रह जाएगी तो उसे कहते हैं काउंटर इरिटेंट यानी कि जो मेन प्रॉब्लम है जो मेन पेन है उसे रिड्यूस करके या उसे फॉरगेट करके दूसरी इरिटेशन कॉज कर देना दिस इज नोन एज काउंटर इरिटेंट

मेडिकल कॉलर्डन यूज टू प्रोटेक्ट द स्मॉल कट्स यानी कि अगर सपोज आपको कहीं पे छोटी सी इंजरी हुई है कोई स्मॉल कट लगा है तो वहां पे यूजिंग अ सॉफ्ट ब्रश आप उसे अप्लाई कर सकते हो मेडिकेटेड कॉलोडियस को नॉन मेडिकेटेड जो कॉलोडियस है यूज टू प्रोलोंग कॉन्टेक्ट बिटवीन द स्किन एंड मेडिकामेंट यानि कि जो ये कॉलोड एक फिल्म क्रिएट करते हैं तो सपोज कि आपके कहीं पे स्मॉल कट लगा है तो वहां पे अगर आपने कोई ड्रग अप्लाई कर दी है उसके ऊपर आप लगा दोगे तो एक थिन शीट की तरह क्रिएट कर लेगा अपने आप को और जो ड्रग है वो आपकी स्किन से लंबे समय तक कॉन्टेक्ट में रहेगी मेन है वाटर रिपेलेंट है ये तो जो वाटर रिपेलेंट प्रॉपर्टी है करना ज्ञान ये कॉन्टेक्ट है जो कि बढ़ाएगा ड्रग का और स्किन का लेबर स्पेसिफाइड की बात करें तो दे आर फॉर एक्सटर्नल यूज ओनली हाईली कीप अवे फ्रॉम इनफ्लेमेबल फ्लेम्स हाईली इनफ्लेमेबल है क्यों क्योंकि इसके अंदर इथाइल एलकोल सॉरी इथाइल एल्कोहल प्रेजेंट है तो जैसे ही इनको आग कैप्चर करती है तो ये जलने का प्रयास करेंगे आई होप यू अंडरस्टैंड एंड एंजॉय दीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब थैंक यू